हेलो गाइस, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3। क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, 10th की एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम इससे पहले 5.3 के 11 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम 12 सवाल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजन बाई 6। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, पहले पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, और कौन से इंटीजर लेने हैं जो 6 से डिविजर हों। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से, 1, 2, 3, 4 अप टू, तो कौन से संख्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिवली हमने क्या बोला है कि 6 से डिविजर होंगे, जैसे 5, 6। यहाँ 6 डिविजर है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ 12 डिविजर है, जो सिर्फ 6 से भाग, जिसमें 6 से भाग जाए। तो हमें ऐसे इंटीजर्स लेने हैं, तो हम सॉल्व करते हैं। समझ आया होगा पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो 1 से बड़े हों, 0 से बड़े हों, 0, 1, 2, 3, जो नेगेटिव टर्म में ना हो। हमें कौन से लेने हैं? 6 से डिविजर, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगी? 6 ही होगा। हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया यहाँ पे? ए वन कितना आएगा? 6। और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा? वो भी 6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 6 से डिविजल है। जैसे कि दूसरी टर्म क्या है? 12। 12 में से 6 जाएंगे, क्या बचेंगे? 6। तीसरी क्या आएगी? 18। 18 में से 12 जाएंगे, क्या बचेंगे? 6। तो क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस? डी कितना हमारा? 6। फाइंड आउट क्या करना है? S40 सम ऑफ 40 टर्म्स, पहली 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। हमारे पास ए है, डी है, और एन कितना है? 40। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 40, क्योंकि पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर करना है। तो हमें क्या यूज करना है? वी यूजिंग द सम फार्मूला। नाउ वी यूजिंग द सम ऑफ एन टर्म्स फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स, तो फार्मूला क्या हमारा? एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। n क्या? 40। S40 इक्वल्स नंबर ऑफ टर्म्स 40 डिवाइड बाई 2। 2 एक वैल्यू कितनी है? 6। प्लस में 40 माइनस 1 d कितना है? 6 कितना है? 20। यहाँ कितना आएगा? 6 दूनी 12 प्लस में 40 में जाएगा 39 इंटू में 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 20 12 प्लस में ये कितना? 39। 40 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 9 54 18 5 23 234। कितना हो गया?
20 इंटू में 240, तो इसको मल्टीप्लाई करने कितना आएगा, 0 का 0, 2 छक्के 12, 8 1 9, 2 दूनी 4, 420। सम ऑफ 4 टर्म्स, पहले 4 टर्म्स कितना आया, 49,420। ये हमें फाइंड आउट करना था, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देते हैं 13। क्या कहता है, फाइंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फिफ्टीन मल्टीपल्स ऑफ एट। यहाँ के ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें सम निकालना है कितने टर्म का, 15, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 से गुना होने वाली मल्टीपल, गुना होने वाली पहली 15 संख्याओं का जोड़ निकालना है। 8 से गुना कौन कौन सी होंगी, जैसे कि 8 16, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, ये हमारी टर्म है जो 8 से मल्टीप्लाई होंगी। हमारा यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, ए ए वन क्या है, 8। हेयर ए वन इक्वल टू कितना है, 8। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम 16 से 8 जाएंगे कितना, 8, तो डी कितना है, 8। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 15 एंड 15। फाइंड आउट क्या करना है, एस एन सम ऑफ कितने टर्म्स का, 15 का। नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स। फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a+ में n-1 इंटू में डी। एन वैल्यू क्या हमारे यहाँ, 15, 15 बाई 2, 2 a की वैल्यू क्या है, 8, एन 15-2, डी कितना, 8-1, 15/2, 8 दूनी 16, प्लस में 14 गुना में 8, 15/2, 16+ में 98, 112, 112 आएगा, 112, 14 + 112, 832, 2 11, तो ये कितना हो गया अंदर, 112 16, 128, 15/2 गुना 128, कितनी बार कटेगा, 64 बार। तो आंसर कितना आएगा हमारा, एस 15 इक्वल टू 15 इंटू में 64, कितना आएगा, 96, 15 64, 15 96 से 96, 960। सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आएगा, 960। ये हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ, अगर फाइंड द सम ऑफ सम ऑफ द ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें सम निकालना है ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर कितने लेने हैं, 0 से 50 तक, कहाँ से 0 से 50 तक। तो
तो आपको जानते हैं, तो हम 0 से 50 तक हमारा पहला ऑड नंबर क्या होगा? ये ऑड नंबर्स, बिटवीन 0 एंड 50, 0 से बड़ा, 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवीजन ना हो, जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवीजन हो, वो होते हैं ऑड नंबर। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 चलता रहेगा, और 50 से पहले क्या आएगा? 49, उससे पहले 47, ये हमारे 50 तक कितने ऑड नंबर हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? इवन है और लास्ट टर्म है, हमें सम निकालना है इनका। तो बस नाउ है क्या क्या हमारा एवन कितना, फर्स्ट टर्म कितना है 1, एंड लास्ट टर्म AL कितना है 49। हमें सम निकालना है, बस फॉर्मूला यूज करते हैं। वी आर यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ लास्ट टर्म। लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस में एल। क्या होता है? एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस में एल। हमारे पास ए है, एल है, बट एन नहीं है, तो हमें क्या निकालना? पहले एन है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन टर्म, वी यूजिंग द एन फार्मूला। पहले क्या यूज करेंगे? एन फार्मूला। यूजिंग द एंथ फॉर्मूला, एंथ फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। यहाँ वैल्यू रखते हैं, एक वैल्यू क्या है 1, प्लस में एन माइनस वन, डी कितना, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 2 का, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 2, कितना आएगा 2 का। यहाँ लिख लेते हैं डी कितना हमारा 2, 1 प्लस में 2n माइनस 2, लास्ट टर्म कितनी है हमारी 49। यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस 2 क्या बचेगा? -1। 2n-1 इक्वल टू 49। तो -1 इधर लेंगे कितना हो जाएगा? 2n इक्वल टू 49 प्लस में 1, -1 को इधर लेंगे क्या होगा? प्लस का 1, कितना हो जाएगा? 2n इक्वल टू 50, कितनी बार कटेगा? 25 टाइम्स, n इक्वल टू 25। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए हमारे पास? 25। अब क्या निकालना है? फॉर सम, सिर्फ एन की वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 बना लेते हैं इसे। नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ एन इन सम फॉर्मूला, सम फॉर्मूला यूज करते हैं। सम फॉर्मूला क्या था हमारा? एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस में एल। नंबर टर्म्स कितने हैं? 25। तो एस 25 इक्वल टू 25 बाई टू, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, लास्ट टर्म कितनी है 49, 25 बाई टू 49 50 इंटू 50, 2 से कितनी बार कटेगा? 25 टाइम्स,
कितना आएगा 25 इंच पर 625, कितना आएगा 625 सम ऑफ 25 टर्म्स, ये हमारा आंसर है। हियर द सम ऑफ, या द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इज कितना है 625, ये हमारा आंसर है, ये हमें निकालना था। तो गाइस इस वीडियो में इतना रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे। 15 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे इसमें।